और खबर देवास से है, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी की पत्नी विजया जोशी का निधन हो गया। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, कोरोना के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। आज पिपलिया में अंतिम संस्कार होगा, तो विजया जोशी का निधन हो गया है। कोरोना के चलते उन्हें इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनका उपचार जारी था। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी अमिताभ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमिताभ, पूर्व मंत्री थे दीपक जोशी, जिनकी पत्नी विजया जोशी का निधन हुआ है, क्या जानकारी? बिल्कुल, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि 15 दिनों से ही जो है विजया जोशी, जो पूर्व मंत्री और जो दीपक जोशी की जो पत्नी है और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की पुत्र वधु है, उनका उपचार चल रहा था और कोरोना के वजह से उन्हें भर्ती किया गया था अरविंदो अस्पताल में। लेकिन फिलहाल जो उनके पारिवारिक सूत्र है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोविड की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई थी और एक दो दिनों में उनकी जो अस्पताल से छुट्टी होने वाली थी, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके कारण उनका जो है निधन हो गया इंदौर के ही अरविंदो हॉस्पिटल में। और अब जो है आज उनका जो अंतिम संस्कार है वो हार्ट पीपिया में, जो उनका ग्राम है, दीपक जोशी जिस सीट से विधायक भी रहे हैं वहीं पर उनकी जो पत्नी है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो अब अंतिम संस्कार की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आपको बता दें बेहद दुखद खबर है, पूर्व मंत्री दीपक जोशी की पत्नी विजया जोशी का निधन हुआ है। कोरोना के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं उनको हार्ट अटैक आया था, जिसके चलते उनका निधन हुआ है। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में उनका इलाज जारी था, हाट पिपलिया में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वे कोरोना से ग्रसित थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था।